हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, लेक्चर नंबर 13 फॉर क्लास 12 में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी सा टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि ट्रांसफॉर्मर, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जिसके ट्रांसफॉर्मर देखे हुए ना हो। जैसे गांव में देखे होंगे आपने, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके लिए लगाए जाते हैं, पावर हाउस होता है वहाँ पे लगे हुए होते हैं, और छोटी छोटी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसी कोई डिवाइस हो ही नहीं सकती जो बिना ट्रांसफॉर्मर के काम कर जाए। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मर इज एन असेंशियल डिवाइस फॉर अप्रोक्सीमेटली ऑल द इलेक्ट्रिकल मशीन्स विच आर यूजिंग कार्ड सिस्टम और PCB बोर्ड। ऐसी जितनी भी डिवाइस हैं इलेक्ट्रिकल, चाहे वो DC से चलने वाली हो, चाहे वो AC से चलने वाली हो, जिनमें PCB बोर्ड लग गया, कार्ड लग गया, उनमें ट्रांसफॉर्मर लगेगा ही लगेगा। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये मैं ही कह रहा हूँ कि चाहे वो डिवाइस किससे चल रही हो, AC से, चाहे वो DC से, लेकिन उसमें अगर कार्ड सिस्टम है, यानी अगर उसमें PCB बोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर 100% लगेगा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये केवल और केवल AC में काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, डायरेक्ट करंट में इसका कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्ट करंट में इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह रहा हूँ चाहे वो AC डिवाइस हो चाहे DC, दोनों में यूज होता है। तो आपको बता दें कि घर में अगर आपके पास मान लिया चार्जर है, ठीक है, तो आपका जो फ़ोन है उसमें जाती है डायरेक्ट करंट, क्या जाता है, DC, और आप उसको यूज़ किस में कर रहे हो, घर के पावर प्लग में, वहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। इट मीन्स उस अडप्टर के अंदर, उस चार्जर के अंदर ऐसी कोई डिवाइस लगी हुई है जो उस अल्टरनेटिंग करंट को किस में बदल रही है, डायरेक्ट करंट में बदल रही है। तो अब जितनी भी डिवाइसेज होती हैं, चार्जर वगैरह जितने भी हैं, इनको DC आउटपुट में जो आपको देंगे ये नॉट मोर देन 3 और 4 वोल्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 वोल्ट हो सकता है। हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है, तो 220 को ये DC में भी बदलेंगे, और साथ में जो AC है वो अगर इतनी ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो DC से चलने वाली है उसको इतनी ज़्यादा वोल्टेज मिल जाए तो ख़राब हो जाती है। इसलिए जो DC डिवाइसेज होती हैं उन तक जो वोल्टेज पहुंचाई जाती है वो पहले ट्रांसफॉर्मर से पास की जाती है, पहले ट्रांसफॉर्मर में डाल दी जाती है, ट्रांसफॉर्मर उसको कम कर देता है, और वो कम वोल्टेज अंदर का जो सर्किट है अडप्टर में उसको दिया जाता है, ताकि वो क्या कर दे, उसको अब DC में कन्वर्ट कर दे। तो जो अडप्टर वगैरह हो गए, इनमें हमने ट्रांसफॉर्मर जो यूज़ किया, इसने क्या किया, ज़्यादा वोल्टेज को कम किया। तो ट्रांसफॉर्मर ने क्या कर दिया, ज़्यादा वोल्टेज को कम कर दिया। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके गांव में, मतलब हर स्ट्रीट में या 8-10 घरों के आसपास एक ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ होता है, उस ट्रांसफॉर्मर जिस पोल के ऊपर रखा होता है, उस पोल पे कहीं ना कहीं एक बोर्ड लगा होता है कि डेंजर, कि इससे ऊपर जाओगे तो डेंजर, यानी, और आपने सुना भी होगा कि ऊपर ऐसे हाथ करके बताते हैं घर पे, आपके पेरेंट्स या कोई भी आदमी, या हो सकता आप ही किसी को बताते हो कि ऊपर 11,000 वोल्टेज है या इससे भी ज़्यादा है, और आपके घर में कितनी आ रही है, 220, आपके घर में कितनी आ रही है, 220 वोल्ट। तो 11,000 को 220 में कौन बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। वहीं पे अगर मैं पावर हाउस की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि आपने भी सुना होगा कि अगर ज़्यादा दूर तक वोल्टेज या करंट ट्रेवल करता है तो उसकी वैल्यू
मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, बिकॉज आर इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एल। ठीक है, लेंथ के ऊपर आर की वैल्यू कैसे करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो लेंथ बहुत ज़्यादा होने के कारण, या हो सकता है और भी कोई कारण हो उसकी वजह से, टेम्परेचर वगैरह कई कारण होते हैं, कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उसकी वजह से वो वोल्टेज कम हो जाती है। वो वोल्टेज जितनी आई थी उसको वापस उतना ही बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं, कहाँ पे, केवी स्टेशन जिनको पावर हाउस बोलते हैं, वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगते हैं, यानी वोल्टेज को कम से ज़्यादा करने वाले। और आपके गाँव में हमने देखे कौन से थे, ज़्यादा को कम करने वाले। इसका मतलब दो तरह के ट्रांसफॉर्मर कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, कौन कौन से, एक तो वोल्टेज को कम से ज़्यादा कर रहा है, एक ज़्यादा से कम। जो कम से ज़्यादा करे उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्या बोलेंगे उसको, स्टेप अप, जो क्या करता है, कम से ज़्यादा करता है, और उल्टा इसका अपोजिट अगर होगा तो क्या होगा, स्टेप डाउन। तो जो कम वोल्टेज जिसमें कम दे ज़्यादा लें वो क्या हो गया, स्टेप अप, जिसमें ज़्यादा दें कम लें वो क्या हो गया, स्टेप डाउन। कहाँ पे यूज होता है स्टेप डाउन और कहाँ पे यूज होता है स्टेप अप, अभी अभी मैंने आपको बताया है। चलिए तो अब जान लेते हैं ट्रांसफॉर्मर है क्या। ये तो आपने देख लिया कि यूज तो होता है, काम की चीज़ तो है ना, क्या काम कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, कहीं पे वोल्टेज वो कम कर रहा है तो कहीं पे ज़्यादा कर रहा है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। चलिए एक बात मैंने और कही है, केवल किस पे काम करता है, एसी पे, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा अभी, एसी पे काम करता है। और आपकी टास्क अभी बता देता हूँ वो रहेगी कि डीसी पे काम क्यों नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम क्यों नहीं कर सकता। चलिए तो ट्रांसफॉर्मर है क्या, नोट कीजिए, ट्रांसफॉर्मर इज ए इलेक्ट्रिकल, ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू दैट एट हाई वोल्टेज और वाइस वर्सा। करंट को जो कि हमने लो वोल्टेज के अक्रॉस लिया उसको हाई वोल्टेज के अक्रॉस बना देता है, या करंट जो हमने हाई वोल्टेज के अक्रॉस से दिया उसको लो वोल्टेज के अक्रॉस बना देता है, यानी मेनली वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है विच वर्क्स, ये नोट कर लीजिए, नोट डाल लीजिए, ट्रांसफॉर्मर इज वर्क्स ओनली एंड ओनली ऑन अल्टरनेटिंग करंट ओनली एंड ऑन सॉरी ट्रांसफॉर्मर इज यूज ओनली एंड ओनली इन एसी। किस में यूज किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट्स में यूज किया जाता है। नोट कीजिए प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दो टॉपिक पढ़े थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो कोइल यूज हो रही हैं, जब दो कोइल यूज हो रही हों तो डेफिनेटली म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो भी क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या था म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेन ए चेंजिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द टू इंडक्टिव कपल्ड कोइल, एंड इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप इन द अदर कोइल। ये क्या कह रहा है कि इंडक्टिवली कपल्ड, यानी दो कोइल्स आपस में कपल की गई है, नज़दीक या एक दूसरे के एक ही डिवाइस के ऊपर लपेटी गई, या हो सकता ऊपर नीचे भी रखी गई हो, लेकिन इंडक्टिव है मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव का मीनिंग क्या है, बताइए कि, यानी एक के कारण कुछ चेंज हो तो दूसरे में कुछ इंड्यूस्ड हो, या एक में कुछ चेंज हो तो फिर, यानी पहले वाले में हो तो पहले वाले में चेंज करें तो दूसरे में कुछ जनरेट हो या इंड्यूस्ड हो, या दूसरे वाले में कुछ चेंज करें तो पहले वाले कोइल में कुछ इंड्यूस्ड हो। तो इस तरह की कोइल यानी इंडक्टिव कोइल्स हमने यूज की हैं, विच आर लेमिनेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो लेमिनेटेड फ्रॉम द आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या होती है अभी बताते हैं।
ठीक है। तो पहले आप प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इसके मेन पार्ट्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि इनिशियली इसके अंदर जो इंटरनली जो पार्ट हैं वो क्या क्या हैं, भाई प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लेमिनेटेड आयरन ओर, बस यही इसके पार्ट और कुछ है ही नहीं, बस इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए एक एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके चलना है, क्योंकि यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया जाता है तो हो सकता है कि यहीं से वो आ जाए। तो हर बात को वीडियो में जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ अच्छे से सुनते जाना, और बाद में दोबारा सुनते हुए उनको नोट भी करते जाना। फर्स्ट टाइम में कोई भी बच्चा वीडियो को पहली बार देखते हुए कोई भी एज इट इज़ नहीं लिखेगा, पहले कंप्लीट सुन ले उसको और उसके बाद उसको नोट करें, क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है मैं आगे की चीज़ पहले बता देता हूँ। जैसे मैंने बता दिया ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे यूज़ होता है, वैसे होता ये है कि ट्रांसफॉर्मर पढ़ लो फिर उसके लास्ट में पढ़ा जाता है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, लेकिन मैंने उल्टा इसलिए पढ़ाया क्योंकि तो ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल जाए कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, और इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसके यूजेज को पहले ही बताया आपको कि कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। देखिए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स एंड वाउंड ऑन द वेल लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर और आयरन कोर, वेल लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, वेल लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। इन ट्रांसफॉर्मर देर आर टू वाइंडिंग्स आर यूज नेम्ड एज पी एंड एस। P means a winding at which input is given and called primary winding. P का मतलब है वो winding जहाँ पे input दी जाए, और इसको किस नाम से जानते हैं, primary winding के नाम से जानते हैं। And S means secondary winding which is connected to the load. S क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि किससे कनेक्ट की हुई होती है, लोड के साथ कनेक्ट की हुई होती है। अब देखिए बात आती है सबसे पहले कि सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे यूज क्यों किया गया, क्योंकि सॉफ्ट आयरन है उसकी परमेबिलिटी, अब ये परमेबिलिटी वाला चैप्टर आपका हटा दिया गया था, वो आपको पता नहीं है कि जो परमेबिलिटी होती है वो इसकी बहुत हाई होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है परमीबिलिटी, यानी ये इजीली अपने आप को मैग्नेटाइज्ड कर लेता है, यानी अगर इसको किसी मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये उन मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उनको अलाउ करता है, यानी कि वो इसके अंदर आ सकें, यानी उनको परमिशन दे देता है, ठीक है। तो इसकी परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो कोर है वो किसकी यूज़ की गई, सॉफ्ट आयरन की, याद रहेगा, याद वाई सॉफ्ट आयरन कोर इज़ यूज्ड बिकॉज इट्स परमिबिलिटी इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसकी परमिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब देखिए जिस मटेरियल की परमिबिलिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर एडी करंट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि जो आयरन यूज़ किया है इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है तो इस पीस के अंदर एडी करंट भी इंड्यूस्ड होंगे, और वो एडी करंट क्या करेंगे, जो हमारा करंट इसके अंदर से हम फ्लो करवा रहे हैं उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे, क्योंकि वो इंड्यूस्ड है। कैसा है वो, इंड्यूस्ड है। एडी करंट क्या होते हैं, या वो क्या करते हैं, एडी करंट जिसके कारण वो पैदा होते हैं उसी का क्या करते हैं, अपोज। तो किसके कारण हुए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो इंड्यूस्ड हुए, तो उसी का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे तो कुछ लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है,
लेकिन फिर भी हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सॉफ्ट आयरन। किसके लिए? क्योंकि उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो फिर इन एडिकेंट्स को कम कैसे करें? तो इनको कम करने के लिए क्या कर दी जाती है, इसको लेमिनेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लेमिनेट कर दिया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर लेमिनेटेड यूज की जाती है। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि हमने चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट किसको दिया? प्राइमरी को दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, या हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड और विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द सॉफ्ट आयरन कोर टू सेकेंड वाइंडिंग। जो जैसे यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, एज इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इस सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कोई लीकेज इस मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं होगा। अगर वो यहाँ पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे भी ज़्यादा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कोइल इज चेंजेस, इट मीन्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड दैट इज टेकन एज आउटपुट। उसको किस लिए, किस तरह से बाहर ले लिया जाता है? आउटपुट की फॉर्म में बाहर ले लिया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, जो आपके ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये दो तरह के यूज़ किए जाते हैं, एक होता है आपका कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है आपका सेल टाइप, कोर टाइप और सेल टाइप, कोर टाइप एंड सेल टाइप। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कोर टाइप होता है वो तो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें कोर यूज़ की जाती है, सेपरेट प्राइमरी और वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी को यूज़ किया जाता है। लेकिन सेल टाइप में क्या होता है कि आपकी जो सेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी इसको इस तरह से कपलिंग की जाती है इन दोनों की आपस में। और वाइंडिंग क्या होता है कि ऐसे करके इधर तो कर दी जाती है प्राइमरी, और ऐसे करके इधर क्या कर दी जाती है? सेकेंडरी। तो इसको बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। आजकल जो डिवाइसेस आपके होते जा रहे हैं, यानी छोटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मर, छोटा सा ट्रांसफॉर्मर, छोटे साइज का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह होते हैं, उन सभी में क्या यूज़ किया जाता है, ये रेडियो रिसीवर वगैरह में पहले यूज़ करते थे, आजकल भी यूज़ यही करते हैं सेल टाइप। ये अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे वो अच्छा, छोटे लेवल पे ये अच्छा है। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ 100% होती नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ इंड्यूस जरूर एज इट इज़ वहाँ चला जाए। थोड़ा बहुत लीक आउट ज़रूर होता है, लेकिन इसमें लीक आउट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बेटर है देन कोर टाइप। कोर टाइप से कौन अच्छा है? सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर अच्छा है, लेकिन इसमें जो हीट होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको बड़े लेवल पे यूज़ नहीं करते। बड़े लेवल पे कौन सा यूज़ किया जाता है? ये वाला। बड़े लेवल पे मतलब जो आपके गांव में ट्रांसफॉर्मर टिके होते हैं, हर स्ट्रीट में या घरों के आसपास जितने भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो कोर टाइप यूज़ होते हैं। और आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं उनमें कौन सा यूज़ होता है? आपका सेल टाइप यूज़ होता है। क्लियर है? सेल टाइप और कोर टाइप दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। उसके बाद देखिए वर्किंग। तो वर्किंग को तो आपको समझ में आ ही गई होगी, पहले ही बता दिया है कि वर्किंग ये कैसे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। देखिए जो प्राइमरी है, पी जिसको नाम दिया है, उसको हम क्या देते हैं? प्राइमरी जो है उसको इनपुट देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं? जो इनपुट है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? एसी, यानी अल्टरनेटिंग चेंजिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको डीसी दे दें, चेंजिंग करंट हमें उसको एज ए इनपुट देना है। अब वो प्राइमरी के अंदर से फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट विच इज गिवन एज इनपुट थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग जनरेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द आर्म ऑफ दिस कोर। इस कोर के इस आर्म में क्या क्या प्रोड्यूस कर देगा, क्या जनरेट कर देगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर देगा। और
दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए जो करंट है वो चेंजिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेटली चेंजिंग रहेगा, तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके कारण क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी कोइल में, ऑल्सो सेल्फ इंडक्टेंस इन प्राइमरी, प्राइमरी में सेल्फ के कारण और सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर प्रैक्टिकली ये कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह का कोई लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स का ना हो, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कोइल है वही लिंक विद ईच सेकेंडरी कोइल हो, हर सेकेंडरी को कोइल के यानी सेकेंडरी कोइल के हर टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स वही हो जो कि प्राइमरी कोइल के हर टर्न का होता है। ये है इसकी वर्किंग। वर्किंग क्या हुई, इसके अंदर क्या दिया, इनपुट, इनपुट के कारण क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, वो चेंजिंग है इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो इसमें सेल्फ और इसमें म्यूचुअल। अब देखिए इसकी जो सेटिंग है वो इस हिसाब से की जाती है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका लीकेज ना हो, वो लीक आउट ना हो, यानी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स हर कोइल ऑफ प्राइमरी का है उतना ही हर कोइल ऑफ सेकेंडरी का भी मिले, ठीक है, ये इस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है। अब बात आती है थ्योरी की, तो थ्योरी में हमने साफ साफ कहा है कि प्राइमरी कोइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी कोइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मान लेता हूँ ई1 तो हुआ प्राइमरी में और ई2 हुआ सेकेंडरी में, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ N1d∅dt, माइनस ऑफ N1d∅dt, और ये होता है माइनस ऑफ N2d∅2 कर देता हूँ बाई dt, बट ∅1 इज इक्वल टू ∅2, यहाँ पे ∅1 और ∅2 आपस में क्या रहेंगे सेम, सपोज दिस इज इक्वल टू 5, तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको भी अलग से लिखनी है इक्वेशन, इसको भी दोनों को क्या कर देता हूँ सेम। नाउ अब इनका क्या निकाल देता हूँ, रेशियो निकाल देता हूँ, डिवाइड इक्वेशन, इसको सेकंड नाम दे दीजिए और इसको फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, तो क्या बनेगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका माइनस ऑफ N2 अपॉन में N1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब आगे लिखिए, सपोज ई बी द ईएमएफ अप्लाई टू द प्राइमरी, ई बी द ईएमएफ अप्लाई टू द प्राइमरी ड्यू टू विच E1 इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कोइल एंड विच अपोजिज द अप्लाइड ईएमएफ ई। जो E1 की जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट रहेगी, क्योंकि किसने कहा था ये कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो किसका अपोज करता है, जिसके कारण वो इंड्यूस्ड हुआ है, जिसके कारण वो इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। तो ये E1 किसके कारण इंड्यूस्ड हुआ है, E के कारण, इसलिए इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो कोई आपसे ये पूछे कि रिजल्टेंट ईएमएफ इन प्राइमरी क्या रहेगा, तो रिजल्टेंट ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू ई माइनस ई वन, रिजल्टेंट ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। अब मैं मान के चलता हूँ कि सपोज आर इज द रेजिस्टेंस एंड आई इज द करंट विच सेंड्स थ्रू द प्राइमरी कोइल, I1 में करंट मान लेता हूँ प्राइमरी कोइल में और रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R। नाउ वोल्टेज ड्रॉप, ये यहाँ पे देखिए E-E1 क्या हुआ, वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, तो वोल्टेज का ड्रॉप है E-E1 इज इक्वल टू I1R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं I1 की और किसकी, R की, वो बहुत स्मॉल होती हैं, तो आपने देखा होगा दो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो और छोटी हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल 0.2 × 0.2, तो क्या आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, ये बात सही है या नहीं है, यानी दो छोटी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी छोटी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू आपकी नेग्लेक्ट हो जाती है, नेग्लेजिबल हो जाती है एज कम्पेयर टू वोल्टेज ड्रॉप, इट मीन्स ई इज इक्वल टू E1। तो यहाँ से रिजल्ट मिला मेरे को, यानी मैं मान के चल सकता हूँ ई
माइनस ई वन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जीरो, नॉट एग्जैक्ट जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो, बिकॉज ये वैल्यू आर की वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकती, रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ए रूम टेम्परेचर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये नेग्लेजिबल है, नेग्लेजिबल है इसका मतलब ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो मैं क्या करूँगा, इस ई वन को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई वन। तो मैंने जो इनपुट ई में ई एम एफ दिया वो एज इट इज आपका इंड्यूस्ड ई एम एफ की फॉर्म में मिला मेरे को, कहाँ पे, प्राइमरी में एज इट इज मेरे को मिल गया। नाउ E2 क्या है आपका आउटपुट, ई एम एफ, और E1 क्या था आपका, जस्ट सिमिलर टू इनपुट, इनपुट है नहीं ये, इस इनपुट के सिमिलर है, क्यों है, क्योंकि E1 इज इक्वल टू E है, इनपुट तो क्या था E था, लेकिन ये क्या था इंड्यूस्ड है, लेकिन ये दोनों बराबर थे इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रख दिया, लेकिन E2 आपका क्या है आउटपुट है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया आउटपुट ई एम एफ अपॉन में इनपुट ई एम एफ, क्या किया है आउटपुट ई एम एफ अपॉन में इनपुट, आउटपुट ई एम एफ अपोन में इनपुट ई एम एफ, एंड विच इज इक्वल टू, एंड विच इज इक्वल टू एन टू अपोन में एन वन। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया ई टू अपोन में ई वन इज इक्वल टू एन टू अपोन में एन वन, ई टू अपोन में ई वन इज इक्वल टू एन टू अपोन में एन वन, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशियो, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि आउटपुट आपको कब ज़्यादा मिलेगी और इनपुट आपको कब ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस बतानी है कि व्हाट विल हैपन इफ एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, एंड व्हाट हैपन व्हेन एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, ये कंडीशन आपको बनानी है। तो साफ साफ दिख रहा है इफ एन टू इज ग्रेटर देन आउटपुट ई एम एफ इज मोर देन द इनपुट ई एम एफ, इफ एन वन इज ग्रेटर देन इनपुट ई एम एफ इज मोर देन आउटपुट ई एम एफ। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जो होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, केवल और केवल यही होता है कि जो वाइंडिंग होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स में डिफरेंस होता है, वेयर एन वन एंड एन टू क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेस्पेक्टिवली। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दिया जाए, यानी जिसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम और सेकेंडरी में ज़्यादा हो वो होता है स्टेप अप, और जिसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा और सेकेंडरी में कम वो होता है स्टेप डाउन। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है कि एक मैंने बनाया प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर, मैंने एक बार बना दिया, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है ऐसा नहीं है एक बार बना दिया और उसको फिर दोबारा हटा उठू के फिर दोबारा एज इट इज़ बना दिया जाए, मेनली किस में सेल टाइप में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत से लॉसेज बढ़ जाएंगे, हो सकता है उसको वाइंडिंग को अलग करते समय, यानी वही वायर तो दोबारा यूज़ कर ही नहीं सकते, ये तो 100% श्योर है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो लेमिनेशन होता है लेमिनेटेड होते हैं, जो भी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल उसके ऊपर लेमिनेट किया जाता है वो हट जाता है और वो काम सही तरीके से नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्या कहा गया कि आपने एक प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन कर लिया, लेकिन उसको अब यूज़ करना है स्टेप अप के लिए, आपने क्या किया स्टेप डाउन डिज़ाइन कर दिया और यूज़ करना है स्टेप अप के लिए, क्या करोगे, देखिए करना कुछ नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो इनिशियली आपने प्राइमरी बनाई थी आपने बनाया था स्टेप अप, प्राइमरी कम और सेकेंडरी ज़्यादा, ठीक है, एज इट इज़ रखा रहने दो, और उसमें क्या कर दो जहाँ पे S था सेकेंडरी वाइंडिंग था उसमें दे दो इनपुट और प्राइमरी से क्या ले लो आउटपुट ले लो, तो सेकेंडरी प्राइमरी बन गई, प्राइमरी क्या बन गई सेकेंडरी, तो इसमें जो सेकेंडरी थी इधर थी जो उसमें क्या हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा, इधर क्या हो गए कम, तो ये क्या बन गया स्टेप डाउन, आपने बनाया क्या था स्टेप अप, एंड वाइस वर्सा ऐसे ही आप उसको भी यूज कर सकते हो। यानी स्टेप और स्टेप अप और स्टेप डाउन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल और केवल किसका होता है नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिक ये होता है कि अगर मैं वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा हूँ तो जितना उसको अप किया है करंट उतना डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं तो कहाँ लेके जाओगे,
वोल्टेज ऐसे आपने पढ़ा होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना तो ख़त्म की जा सकती और ना बनाई जा सकती, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी जनरेट तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज कहाँ से आ गई, आपके पास दी तो कम थी, कहाँ से ज़्यादा आ गई, बस यही आपका लॉजिक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जितने अमाउंट से वोल्टेज अप होगी उतने से ही करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और जितने से वोल्टेज डाउन होगी उतने से ही करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी आपस में एक इंटर रिलेशन यहाँ पे मेंटेन रखनी होती है, और वो इंटर रिलेशन जब तक है जब तक आपका ये काम करता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास जो भी बुक होगी उसमें ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं ये रिलेशन, तो ऐसा ना हो कि आप उसको स्किप कर दो, उन लाइन्स को ज़रूर आपको रीड करना है कि ये क्या कहेगा। तो एक मैं आपको बता देता हूँ एक रिलेशन, इफ़ एन टू इज़ लेस देन एन वन द टर्न्स रेशियो इज़ लेस देन वन एंड देयर फोर ई टू इज़ लेस देन ई वन द आउटपुट वोल्टेज इज़ लेस देन इनपुट वोल्टेज, क्लियर। उसके बाद देखिए एक जो रेशियो आया था ट्रांसफॉर्मर रेशियो, उससे रिजल्ट क्या मिला, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट और एन टू अपॉन में एन वन ऑफ द प्राइमरी टर्न्स टू सेकेंडरी टर्न, यानी प्राइमरी टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स का सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स का प्राइमरी के साथ जो रेशियो था इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्न्स रेशियो। इसको टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं और किस नाम से भी जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखिए मान लेते हैं अपने पास जो ट्रांसफॉर्मर वो आइडियल, आइडियल मतलब जैसा हमने सोचा था, जो हमने अज्यूम किया था, आइडिया लगाया था कि जितना फ्लक्स यहाँ इंड्यूस्ड होगा इतना का इतना वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जितना ईएमएफ यहाँ इंड्यूस्ड होगा किसके बराबर होगा, जितनी उसको इनपुट दी थी उसके बराबर होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस और जो करंट का प्रोडक्ट था वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। ये सब अजम्पशंस अगर जहाँ पे अप्लीकेबल हैं सब कुछ है, यानी एक्चुअल में ऐसा ही है, तो उस ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलेंगे, आइडियल। आइडियल का मतलब क्या है, केवल आइडिया लगाया जाता है, 100% ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है, वो बन नहीं सकता, लेकिन मान लिया कि वो कैसा है, आइडियल है। अगर आइडियल है तो इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होगी, आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर का फॉर्मूला होता था वी इंटू में आई, यहाँ पे जो वी है उसको पढ़ रहे हैं हम ई1 और ई2 की फॉर्म में, किसके फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ई1 और ई2 की फॉर्म में। तो ई1 आई1 इज इक्वल टू ई2 आई2, बताइए होगा कि नहीं होगा, वेयर आई1 एंड आई2 आर करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्टिवली। अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ कि सेपरेट कर देता हूँ, आई टर्म्स को एक साइड में ले आता हूँ और ई की टर्म्स को एक साइड में ले आता हूँ, तो इस I2 को इधर लेके आइए, ये बन गया I1 अपॉन में I2 और विच इज इक्वल टू E2 अपॉन में E1। तो यहाँ से वो रिलेशन निकलेगी जहाँ पे मैं बता रहा था वोल्टेज बढ़ा या ऐसा कुछ रिलेशन मैंने बताया था, लेकिन ये E2 अपॉन में E1 तो अभी तो हमने पढ़ा था, ये तो क्या होता है N2 अपॉन में N1। अब देखिए याद करने का, अब इसमें कुछ भी नई चीज़ आई नहीं, E2 अपॉन में E1, N2 अपॉन में N1, E2 अपॉन में E1, N2 अपॉन में, इसके अलावा कुछ आया कि नहीं, बस ये याद रखना है, ये याद रखना है कि ये जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। करंट निकालने के लिए याद रखना E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। यहाँ पे गलती होने के चांसेज हैं, अगर आपने डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखने की कोशिश की तो मैं 70% ये कह सकता हूँ, यानी ये कह सकता हूँ कि 70% स्टूडेंट्स इसको गलत कर देंगे अगर डायरेक्ट रेशियो लिखा बिना इस इक्वेशन के। तो ये वही है 10th क्लास में जो मैं बताता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो उसके लिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता था कि पहले ये लिखिए और पहले स्नेल सला ऊपर लगा दीजिए, फिर स्नेल सला नीचे लगा दीजिए, दोनों को आपस में इक्वल रख दीजिए, जो निकालना है वो आप एक साइड में, बाकी सभी को एक साइड में ले जाइए। तो वही है ये तरीका, वही है सेम, यहाँ पे आपको क्या करना है, E1 E2 इज इक्वल टू E2 I2, सॉरी मैंने क्या बोल दिया पता नहीं, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2, ये आपका याद रहना चाहिए करंट के लिए, अदरवाइज आपका गलत होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्यों गलत होगा, क्योंकि आपको तो याद है सीधा सीधा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1, तो आप क्या भी कर दोगे, I2 अपॉन में I1 भी कर दोगे, ये गलती होने के चांसेज है, होता क्या है अपोजिट है I1 अपॉन I2।
तो इसका मतलब क्या हुआ, दस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप्स अप वोल्टेज बट स्टेप डाउन द करंट एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो, सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन द वोल्टेज बट स्टेप अप द करंट एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो। नाउ एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इनटू 100। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इनटू 100%। तो ये बात होती है एफिशिएंसी की। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी एफिशिएंसी 100% तो हो नहीं सकती, लेकिन ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है 99% तक हो सकती है। कितनी हो सकती है एफिशिएंसी, 99%। और किसी डिवाइस की एफिशिएंसी 99% होना बहुत बड़ी बात है, 99 इतने परसेंटेज हो सकती है, यानी मिनिमम 90% तो मिलेगी मिलेगी और 99% भी मिल सकती है, यानी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको पहले भी बताता था, एक ऐड आती थी, वो डिटोल वाली ऐड आती थी, उसमें लिखते थे 100%। तो एक साइंटिस्ट ने, या एक स्टूडेंट था जो किसी साइंटिस्ट के नीचे काम कर रहा था, उसने उसे कंपनी को क्या कर दिया था, चैलेंज कर दिया था कि इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं है, तो आपका डेटोल 100% श्योर कहाँ से आ गया कि जर्म्स को 100% ख़त्म कर देगा। तो आप देखते हो वो ऐड में अब क्या होने लग गया, वैसे वो क्लोक में ऐसे घूम के आता है ना, एंड तो उसमें क्या आने लग गया, 99.9% आने लग गया। 100% उसने वहाँ से क्या करवा दिया, उसको ख़त्म करवा दिया। और आप देखते होगे जो उसमें छोटे छोटे कीटाणु वगैरह जो भी होते थे, जम्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे वो क्लोक की फॉर्म में ऐसे घूम के आता है तो उसमें एक या दो छोड़ दिए जाते हैं, है ना। तो यही है कि इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। मैं केवल और केवल आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा एनर्जी लॉसेज के अंदर, यानी इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर लॉस होते हैं, लॉस होते हैं तो 100% तो नहीं हो सकती ना एफिशिएंसी, हाँ नहीं हो सकती। चलिए सबसे पहला आता है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होगा भाई, आपको सीधा सीधा पता है कॉपर की वाइंडिंग इसके ऊपर की है, बहुत 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 ज़्यादा बारिश को लपेटा है तो इसका डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हीट की बात करें तो हीट भी जनरेट हो जाएगी, बिकॉज एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, और पावर डिसिपेट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई लॉस यहाँ पे किसके कारण हो रहा है, जो वायर है वो बहुत बड़ा यूज़ किया है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसके कारण। दूसरा आता है एडी करंट लॉस। अभी अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पे सॉफ्ट आयरन जो कोर है, बड़ा सा पीस हो गया ना आयरन का, तो उसके अंदर से करंट पास करेंगे तो वहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाता है, एडी करंट, जो कि क्या करेगा, इनपुट का अपोज करेगा, तो एक लॉस ही हो गया। उसके बाद आता है हिस्टेरेसिस लॉस। अब जो हिस्टेरेसिस कर्व वाला जो पार्ट था, चैप्टर था, वो आपका हटा दिया गया है। हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, जिसमें टायर्स का एग्जांपल आपको बताया था कि जो टायर होते हैं वो किस तरह के रबड़ के बनते हैं, वो जो आपका टॉपिक था फ्लाईओवर ब्रिजेज वगैरह वगैरह जो भी था ना, है ना, उनसे रिलेटेड एक टॉपिक आया था आपका हिस्टेरेसिस, और हिस्टेरेसिस का यूज़ किया गया था कहाँ पे, कि किस तरह का मटेरियल कहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने यूज़ किया था। ऐसे ही आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर जो था आपका, उसमें भी यूज़ होता था हिस्टेरेसिस का। तो हिस्टेरेसिस में क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को ये एक क्या है, कोई मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, यानी इसके अंदर वो गुण है कि ये मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। तो सपोज ये सॉफ्ट आयरन है, कोर है, तो इसको मैंने क्या किया, मैग्नेटाइज्ड कर दिया, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, जिसके थ्रू मैं मैग्नेटाइज कर रहा था उसको, उस प्रोसेस को रिवर्स कर रहा हूँ। जब रिवर्स कर रहा हूँ तो उसका पाथ अलग होगा, और जब इसको दिया था तब पाथ अलग होगा, यानी इसको मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड करने में पाथ अलग अलग हो जाता है। और इस तरह की कुछ कर्व आपको अगर कुछ याद हो थोड़ा बहुत 11th क्लास का, तो कुछ इस तरह की कर्व आपकी बन जाती है। तो इस कर्व की थिकनेस का कम और ज़्यादा होना बताता है कि इसका हिस्टेरेसिस लॉस इसमें कम है या ज़्यादा होते हैं। तो जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसमें जो हिस्टेरेसिस कर्व है, इसका एरिया ज़्यादा होता है, तो इसका लॉसेज यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे होता है ये सब कुछ, कि जब इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटाइज्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसके कारण ये क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, कभी मैग्नेटाइज्ड होगा, कभी डीमैग्नेटाइज्ड होगा, कभी मैग्नेटाइज्ड होगा, कभी डीमैग्नेटाइज्ड होगा, जिससे क्या बनेंगे, हिस्टेरेसिस कर्व और कुछ लॉसेज आपके हो जाते हैं। उसके बाद आता है फ्लक्स लीकेज।
तो ये तो आपको पता ही है कि 100% श्योर है कि सारा का सारा फ्लक्स जो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो वो एज इट इज़ वहाँ पे नहीं हो सकता, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो यानी प्राइमरी में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एज इट इज़ सेकेंडरी के पास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसके बाद आता है हमिंग लॉस। आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर जब चलता है तो आवाज़ करता है ना, वाइब्रेशन की सी आवाज़ आती है ना, उसी को बोलते हैं हमिंग लॉस। किस पार्ट की होती है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ट्रांसफॉर्मर ऐसा करता है। तो जो कोर लेंथ होती है, और इसमें आपकी जो बुक है उसमें आप पढ़ के देखना कि जो हमिंग लॉस है वो नॉइस और हमिंग लॉस से लगभग सेम होते हैं। तो किसके कारण होता है ट्रांसफॉर्मर, इट्स कोर लेंथ एंड शॉर्टन्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यू टू ए फिनोमिना कॉल्ड मैग्नेटोट्रिक्शन। ठीक है, ये जो अजीब सी डेफिनेशंस आ रही हैं या टर्म्स आ रही हैं, ये आपका जो मैग्नेटिज्म चैप्टर था उस सब में आनी थी सारी, वो चैप्टर आपको हटा दिया था। मैंने बताया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल्स ना, पैरा डाया वगैरह जो भी थे, हिस्टेरेसिस वगैरह थे, वो सिलेबस में से हटा दिए हैं। अदरवाइज ये चीज़ वहाँ पे आपकी क्लियर हो चुकी होती पहले ही, ठीक है। लेकिन तो आप ये मान के चलिए हमिंग का मतलब यही होता है, जब ये चलता है तो इसमें वाइब्रेटिंग साउंड, हमिंग साउंड होता है वो इंड्यूस्ड होता है, वो प्रोड्यूस्ड होता है, जिसके कारण कुछ लॉसेज हैं। अब देखिए सिंपल सी बात, अगर कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है ना, कोई चीज़ ऐसी रखी थी वो वाइब्रेट कर रही है, तो डेफिनेटली उसमें वर्क तो करना पड़ा होगा ना, वर्क करना पड़ा होगा। तो वर्क करने के लिए कहाँ से कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आपकी वहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो आपका ये था प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिसको मैं बात कर रहा था हिस्टेरेसिस लॉस की, है ना, कि मैं ये कह रहा था कि एक बार उसको मैग्नेटाइज करते हैं, एक बार डीमैग्नेटाइज। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये मेरे पास एक मान लिया सॉफ्ट आयरन है, इसको मैग्नेटाइज करना है, तो कोई ना कोई वर्क तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये तो आप सभी को पता है। या इसको डीमैग्नेटाइज करना है, तब भी कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई ना कोई लॉस हो जाएगा, जिसको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से डिस्कस करें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज की जो क्लास है लाइव क्लास रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मर मैं शेड्यूल कर सकूँ, ताकि ये क्या है टॉपिक बहुत इजी सा है, लेकिन इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं जो अजीब से होते हैं। आप सुनोगे ऐसा कैसे हो जाता है, ये तो हमने ऐसा ही पढ़ा था, ऐसा ही होता है। मैथमेटिकल देखा आपने, केवल दो इक्वेशन आई हैं, एक तो क्या आई थी E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2, और एक क्या आई थी वही आपका N2/N1 इज इक्वल टू E2/N1। बस ये दो इक्वेशन आपके आई हैं, एक करंट के लिए और एक वोल्टेज के लिए, ट्रांसफॉर्मर रेशियो और एक करंट इन द ट्रांसफॉर्मर। बहुत ईजी सा टॉपिक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 100% श्योर है कि आना होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आपने 12th क्लास से पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन 100% श्योर है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, चाहे वो एक नंबर का आए, चाहे वो दो का आए, चाहे वो तीन का आए, हो सकता है 5 नंबर में ट्रांसफॉर्मर भी आ जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, एक टॉपिक होता था साइक्लोट्रॉन, वो फिक्स होता था कि वो तो 5 नंबर का आएगा ही पेपर में, वो दिया हटा, अब वो हटा दिया तो 5 मार्क्स का एक कोई ना कोई और क्वेश्चन उसकी जगह पे सेट होना है। तो हो सकता है ट्रांसफॉर्मर सेट हो जाए, हो सकता है इससे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज़ हो जाए, उसकी जगह पे यूज़ हो जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।